हेलो दोस्तों, मैं हूं फ्रांसिस। सभी का स्वागत करता हूं कि टॉप वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं लेकर यहां पे बिटकॉइन की सारी ताज़ा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही आप देखने वाले हैं ढेर सारी क्रिप्टोकरेंसीज को जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं कराए, आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इस कोर्स को आप सीख सकते हैं। और इसको सीखने के बाद केवल क्रिप्टो में नहीं बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक सभी के सभी फाइनेंशियल मार्केट में ईजी तरीके से ट्रेडिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसकी बाकी अधिक जानकारी या फिर सिमिलर ग्रुप के अंदर ज्वाइन होने के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptowell के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। सो फाइनली दोस्तों, आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यह है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट जो कि हम हमेशा से लेते हैं। एंड फाइनली बिटकॉइन थोड़ा सा स्टेबल है इस पोजीशन के ऊपर, जो कि सपोर्ट लेवल हमने बहुत पहले से ड्रॉ कर रखा था। मार्केट उसके ऊपर एक अच्छी खासी होल्डिंग ले रहा है, और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात करी थी कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को टेस्ट करने जा सकता है, जो कि कल वाली कैंडल में तो पॉसिबल नहीं हो पाया था, बट जिस तरीके से आज की कैंडल फॉर्म हो रही है और अगर कल मॉर्निंग तक भी इसी तरह क्लोज होती है तो चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बढ़ेंगे कि मार्केट एक बार कहीं ना कहीं 60,000 के एरिया को टेस्ट करने जा सकता है। वो फिर एक डिसीजन पॉइंट होगा बिटकॉइन के लिए कि बिटकॉइन उसको तोड़ के ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, या फिर जो बिटकॉइन है वहाँ पर जाने के बाद अपने लिए एक मेजर क्रैश देता है जो कि बिटकॉइन को $51,000, या फिर अगर हम लोग वर्स कंडीशन की बात करते हैं तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट $43,000 के लेवल तक यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। हालांकि अभी सिचुएशंस बनी नहीं है, हम सिर्फ एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि मार्केट अगर उस लेवल पे जाता है तो वो एक डिसीजन पॉइंट होगा, तो उसका हमें वेट करना होगा कि यहाँ पे जो मार्केट है वो किस तरीके से मोमेंटम हमें यहाँ पे दे रहा है। बाकी अगर मैं EMA रिबन की बात करता हूँ तो 4 आवर में हम सभी को पता था कि मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, लेकिन 1 डे के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा हेल्दी मोमेंटम बना है। जैसे मैंने कल भी बात करी थी कि यहाँ पे जो बिटकॉइन है उसे 60,000 के ऊपर क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत स्टेबल हो सकता है और कहीं ना कहीं अप डायरेक्शन की तरफ जा सकता है। हालांकि छोटे मोटे डंप्स हैं जो कि हमें देखने को मिल जाते हैं, बियरिश मार्केट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि इसके नीचे अगर मार्केट गिरता है देन फिर मार्केट के थोड़ा सा ट्रबल यहाँ पे हो सकता है। इंडिकेटर वाइज बात करें तो इंडिकेटर भी थोड़ा सा मोमेंटम लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में अगर हमें कोई बुलिशनेस मिलती है तो 60,000 से लेकर 59,000 यानी कि 1,000 का जो एरिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके ऊपर हमें नज़र रख के यहाँ पे देखना होगा कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। नेक्स्ट जो यहाँ पे बात करें तो यह है दोस्तों CME का फ्यूचर चार्ट, जिसकी गैप के बारे में मैंने आपको पहले भी बात करी थी कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे गैप है और जो कि पॉसिबल है कि इसी टाइम पे फिलअप हो जाए, और ये गैप फिल होने के लिए मार्केट को थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। तो देखते हैं कि जो मार्केट है वो किस तरह वर्क करता है और इस गैप को ऊपर आके फिल करता है, या फिर अभी हमें थोड़ा सा वेट और करना पड़ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों पे बात करें तो ये है दोस्तों डोमिनेंस में भी ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं आया है। वीकली के हिसाब से देखें तो क्लियर कट डोमिनेंस डाउन है, डेली में जाएंगे तो थोड़ा सा मार्केट जो है वो चॉपी है डेली 4 आवर के अकॉर्डिंग, लेकिन 4 आवर भी स्टिल कहीं ना कहीं डोमिनेंस को नीचे की तरफ स्टिल पुश डाउन कर रहा है। क्योंकि अगर हम इस लाइन को देखने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें यही देखने को मिलेगा कि डोमिनेंस स्टिल एक डाउन चैनल की तरफ मोमेंटम ले रही है, जिसमें कि अगर अभी 52.5 ब्रेक होता है तो मार्केट 51.90 तक नीचे की तरफ यहाँ पे होवर कर सकता है, और ये चैनल अगर रिवर्सल दे पाता है तो भी जो डोमिनेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 57 तक पहले आएगी। फिर वो डोमिनेंस के लिए एक डिसीजन पॉइंट होगा कि डोमिनेंस को वहाँ से पंप करना है या फिर डोमिनेंस वहाँ से डंप यहाँ पे करने वाली है। नेक्स्ट जो बात करें तो ये है दोस्तों हमारे पास डोमिनेंस अल्टकॉइन की, और अल्टकॉइन की डोमिनेंस में भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा एक डंप हमें देखने को मिला था, बट ये एक हेल्दी और नॉर्मल डंप है जो वापस यहाँ पे सपोर्ट से बाउंस हो चुका है, और ये इसी तरह अगर बाउंस होता है तो जैसे मैंने पहले भी टारगेट रखा था 15% का, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो डोमिनेंस है वो 14.47 को टेस्ट कर चुकी थी, तो 15% भी यहाँ पे नियरली हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम थोड़े से ब्रॉडर टर्म में देखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वीकली के अंदर इस डोमिनेंस को जो कि अल्ट कॉइन की हमें इस पोजीशन पे मिलती है, तो लगभग आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से कि जो मार्केट है वो आने वाले टाइम के अंदर लगभग 17.98 यानी कि 18% तक अल्ट कॉइन की डोमिनेंस को यहाँ पर इंक्रीज़ करे। और ये डोमिनेंस के इंक्रीज होने का सिंपल सा मतलब है कि बिटकॉइन पेयर के जो कॉइन्स हैं वो पंप करना स्टार्ट करेंगे, तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे कॉइन की बात की जाए तो ये है दोस्तों इथेरियम, एंड स्टिल इसमें भी वही चीज़ है, मार्केट अभी तक इतना ज़्यादा बेरिश हुआ नहीं है। फिलहाल में जो हमारे पास लास्ट सपोर्ट था उसको ही मार्केट अभी यहाँ पे टेस्ट करके पंप हुआ है, जो कि 2050 के आसपास था, लगभग 2000 से 2050
डॉलर के बीच में, लेकिन अभी भी मार्केट को ऊपर आके थोड़ा सा सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर हम बात करें तो इस लाइन की, जैसे कि हमने कल 4 आवर में भी बात करती कि इथेरियम कहीं ना कहीं अपने पास यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा फेस बना रहा है, जो कि आप इस पोजीशन पे आप देख सकते हैं, ये पहला और ये दूसरा। लेकिन मार्केट को इस लेवल के ऊपर आके रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर मार्केट यहाँ से पंप करना चाहता है तो ये वाले जो लेवल्स हैं ये हमें देखने होंगे इस पूरी पोजीशन के अंदर। वहीं पर अगर हम लोग इंडिकेटर के हिसाब से बात करें ईएमए रिबन के हिसाब से, तो 4 आवर में अभी भी थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है रिबन के ऊपर आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम वन डे के अंदर देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं बाउंस यहाँ से कर रहा है, और ये बाउंस अगर हेल्दी होता है तो मार्केट ईजिली $3,000 को फिर से टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई वर्स कंडीशन होती है जिसमें कि मार्केट अबाउ 2,300 ब्रेक नहीं कर पाता, देन फिर मार्केट के चांसेस है कि मार्केट 1,750 को टेस्ट यहाँ पर कर सकता है, जो कि डेली के हिसाब से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी इंडिकेटर डेली में थोड़े से बियरिश हैं अगर आप देखें, और अगर 4 आवर के हिसाब से यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर बुलिशनेस हमें मिल रही है, यानी कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा चेंज करे, और उसके चेंजिंग के बाद से हमें बड़ी टाइम फ्रेम के अंदर भी जो मोमेंटम है वो शिफ्ट होता हुआ यहाँ पे मिल सकता है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं इसके सेमी फ्यूचर के चार्ट के बारे में, तो सेमी फ्यूचर में एक बहुत बड़ी गैप है जो कि 2290 से लेकर लगभग 2475 है, तो लगभग हम 2500 का एक टारगेट लेके यहाँ पे चल सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा नीचे भी कर लेते हैं यहाँ तक, तो भी लगभग 2417 के आसपास आपको देखने को मिल जाती है, जो कि इस टाइम पर फिल हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, ताकि मार्केट जब नीचे जाए और ऊपर आके फिल करेगा तो फिर टाइम यहाँ पर ले सकता है। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों लाइटकॉइन, जो कि अपने प्रीवियस लेवल के ऊपर आ चुका है। इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ और हम लोग वापस आते हैं बड़ी टाइम के अंदर, तो यहां पर हमें एक देखने को मिलेगा कि अभी जो लाइटकॉइन है वो कहीं ना कहीं इसी लेवल को यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है, जहाँ पे कि लाइटकॉइन पिछली बार यहाँ से ड्रॉप करा था, इस बार भी उसको ब्रेक करने की कोशिश करी तो फाइनली ब्रेक करके जस्ट ये एक छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसकी हाइट को पूरी तरीके से यहाँ पर नाप लेते हैं तो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद लगभग $432 का हमें टारगेट देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फिबोनाची के अकॉर्डिंग, तो लगभग जो हमारा टारगेट है वो है यहाँ पे $590 और $942 के आसपास। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लाइटकॉइन बिल्कुल भी अभी हमें बेयरिश नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ अगर इस व्हाइट लाइन के नीचे आता है जो कि $228 की है, देन फिर थोड़ा सा बेयरिशनेस मार्केट के अंदर हो सकती है, क्योंकि अभी के हिसाब से देखा जाए तो लाइटकॉइन बहुत अच्छी तरीके से इसको होल्ड कर रहा है इस पूरे ही लेवल को, जहां पे कि आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं चाहे तो ऊपर से या फिर थोड़ा सा नीचे से। और ये इसी तरह अगर क्लोजिंग दे देता है डेली के अंदर तो लाइटकॉइन का जो पहला टारगेट होगा लगभग वो 372 के आसपास हम लेके चल सकते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो 41% के आसपास होता है। इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर मार्केट थोड़ा करेक्शन जोन के अंदर जाएगा, जहां पर मार्केट के पास पहला सपोर्ट $197 और $158 के आसपास होगा। तो हमें अभी वेट करना है कि मार्केट इसको ना तोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पे कोई ना कोई बाइंग कैंडल ही देखने को मिले। इंडिकेटर फिलहाल में वन डे के अंदर तो थोड़े से बियरिश यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं, जिससे हमें और ज़्यादा क्लियर आइडिया पे मिल जाएगा। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों चेन लिंक, जिसने बहुत बढ़िया कोशिश करी थी बट वापस नीचे आ गया। अगर इस पूरे एरिया को मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूँ और यहाँ से वापस इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये भी लगभग आपको LTC जैसा ही मोमेंटम पर देखने को मिल जाता है, और अगर मार्केट ऐसे मोमेंटम स्टार्ट करता है तो स्टिल हम लोग यहाँ पे बुलिश हो सकते हैं, जहाँ पे कि अगर आप इसके जस्ट हाइट के हिसाब से बात करते हैं तो हाइट के अकॉर्डिंग तो $49.5 का टारगेट आपको देखने को मिल जाता है। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा फिबोनाची के अकॉर्डिंग अगर बात करने की कोशिश करते हैं तो मैक्सिमम टारगेट हम $64.7 के आसपास लेके चल सकते हैं। तो पहला टारगेट 48 का एंड दूसरा 64 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, और इसका जो मेजर भी सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा वो है $34 पे। तो अगर मार्केट इसके नीचे आता है देन फिर मार्केट के लिए थोड़ा सा पे कंजेशन हो सकता है। बाकी अगर आप ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो अभी यहाँ पे कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो ये बुलिश साइन बन सकता है, इसके नीचे फिर ऑब्वियसली बात है कि मार्केट में सस्टेनेबिलिटी नहीं मिलेगी और हमें फिर दोबारा से कोई ना कोई एंट्री जोन ढूंढना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इंडिकेटर की बात की तो इंडिकेटर में तो अभी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो हम लोग चलते हैं सेकंड कॉइन पे। तो अगले कॉइन की दोस्तों बात करें तो ये है दोस्तों बाइनेंस कॉइन, एंड फाइनली बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी बाइनेंस के बारे में। बाइनेंस यहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंटम लिया है, पहले यहाँ पे थोड़ा सा वापस से डिप डाउन कर रहा था, तो आप इस पोजीशन को हल्का फुल्का एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वापस से मार्केट यहाँ पे ट्राई कर रहा है उसको ब्रेक करने का, जहाँ पे कि मार्केट यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर को फॉर्म कर रहा है, और ये हेड एंड शोल्डर अगर ब्रेकआउट होता है तो लगभग बाइनेंस का टारगेट आप $668 या $670 तक लेके यहाँ पे चल सकते हैं। बट अभी जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 551 का, जब ये ब्रेक होता है तभी आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो आप थोड़ा सा इंतजार यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों XRP, जो कि स्टिल अपने इस वैच के अंदर चल रहा है। जैसे कि एजम्पशन था कि इस वैच के अंदर अगर मार्केट होता है तो मार्केट नीचे आके टेस्ट कर सकता है, बट स्टिल जो मार्केट है वो इसी लेवल के ऊपर एक अच्छा खासा सपोर्ट बना चुका है,
जो कि आप इस क्वेश्चन पे देख सकते हैं। तो मार्केट अभी के लिए तो फिलहाल में टर्न अराउंड हो गया, लेकिन हमें जो मेजर ब्रेकआउट इसमें मिल सकता है एक्सआरपी में वो मिलेगा अराउंड 1.57। तो अगर इसके ऊपर हमें कोई भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो मार्केट यहाँ से $2 के लिए वापस से जो आपकी रैली है उसको स्टार्ट यहाँ पर कर सकता है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, नहीं तो फिर ये पूरा की पूरा जो चैनल है ये अगर क्रिएट होता तो मार्केट एक बार 0.9 या फिर $1 का टेस्ट करेगा और फिर मार्केट अपनी जो रैली है उसको रिवर्स यहाँ पर कर सकता है। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों नियो, जिसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। कल जो मार्केट डंप हो रहा था जिसके बारे में हमने बात करी थी, मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया और मार्केट वापस यहाँ पे अब तरफ की रैली के लिए स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो अभी का हमारा टारगेट है वो है $200 का, यस $200 का, जो कि अभी 113 के आसपास चल रहा है। तो ये टारगेट बहुत ही जल्द अचीव हो सकता है, हालांकि हम लोग यहाँ पे थोड़ा कॉशियसली ही करेंगे क्योंकि बिटकॉइन को अभी हमें अप मोमेंटम चाहिए। तो अभी स्टॉप लॉस लगभग हम $90 के नीचे रखेंगे ताकि अगर गलती से स्टॉप हिट होता है और मार्केट नीचे गिरता है तो हमें री एंट्री अराउंड 72-67 पे मिल सके। और जब तक मार्केट इसके ऊपर है और मार्केट यहाँ पे ट्राई कर रहा है तो मार्केट की पॉसिबिलिटी है। अभी अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करें तो मार्केट में आपको एक बुल फ्लैग देखने को मिल सकता है और इस बुल फ्लैग के अकॉर्डिंग मार्केट कहीं ना कहीं $170 को टेस्ट कर सकता है और बॉटम से देखें तो 160 को। तो आप यहाँ पे दो टारगेट लेके चल सकते हैं, 160 एंड $200 का। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए, अभी वॉल्यूम आया नहीं है, तो अगर ये प्रॉपरली वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है तो और ज़्यादा हमें कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। इंडिकेटर्स थोड़े से ट्रबल में है तो लेट्स सी कि हमें क्या चीज़ें यहाँ पे ऑफर होती हैं। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों डॉट कॉइन, जो कि फाइनली अब बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। इस एरिया पे हमने लास्ट टाइम बात करी थी, वहाँ से भी मार्केट को लगभग 18% का भी रिजेक्शन देखने को मिला है एंड स्टिल अभी भी जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं अभी भी हमें शॉर्ट की तरफ ही देखने को मिल रहा है। तो अगर मार्केट को शॉर्ट टर्म भी अगर बुलिश होना है तो लगभग $35 के ऊपर आना होगा ताकि फिर $38.5 का टारगेट लिया जा सके। और अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं आता तो मार्केट एक बार फिर से $28.6 को टेस्ट कर सकता है और उसके बाद फिर मार्केट अपनी जो नई रैलीज हैं उनको यहाँ पर स्टार्ट कर सकता है। तो अगर मैं इस पूरे के पूरे कह सकते हैं कि इसको रिमूव करके वापस एनालिस करने की कोशिश करें तो हमें एक चीज़ यहाँ पे समझ आएगी कि मार्केट का जो मेजर सपोर्टिव एरिया है वो हमें एक्जैक्टली जो अभी देखने को मिल रहा है लगभग 29-27 के बीच में। और अगर अभी हम लोग रेजिस्टेंस एरिया के बारे में बात करते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं 42-42 के बीच में यहाँ पे स्टक हुआ है। तो ये दो लेवल्स है जिसके आसपास आप थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप 4 आवर के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को देखना चाहते हैं, ऑलरेडी मैंने बताई दिया कि मार्केट जब तक हमें रिकवरी नहीं देता हुआ मिल पाएगा तब तक थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, और जहाँ पे रिकवरी मिल जाती है वहाँ पे हम लोग और ज़्यादा बुलिश मार्केट पे फिर हो सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है या फिर कुछ भी करना है तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फॉलिंग वैसा कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिल जाएगा डाउन चैनल। अगर इसका ब्रेकआउट प्रॉपरली इंप्लीमेंट होता है तो लगभग 37 से लेके 38 का टारगेट हम फिर भी एज्यूम यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बिटकॉइन कैश, जो कि स्टिल अभी भी डाउन आ रहा है एंड यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं एक डिसेंडिंग ट्रायंगल सा फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अगर फॉर्म होता है तो वापस एक बार प्राइसेस में भी $32 को टेस्ट कर सकती हैं। तो अभी तो इसमें कोई एंट्री एग्जिट मुझे नहीं ढंग से मिल रही है, लेकिन अगर फिर भी हमें कोई एंट्री लेना है तो लगभग हम $1000 के ब्रेक के बाद ले सकते हैं। बाकी अगर थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमें और ज़्यादा बेटर एंट्रीज मिल जाएंगी। तो इसमें हम एक आध दिन का वेट करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या डेटा और यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बैंड कॉइन, जो कि बहुत ज़्यादा स्टिल नीचे की तरफ आ चुका है। हालांकि जिस लेवल की हमने बात की थी उस पर भी यहाँ पे मार्केट होवर कर रहा है, और अगर इसको मैं एक बार फिर से रिमूव करता हूँ और वापस देखने की कोशिश करते हैं तो मार्केट इस पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर देखा भी जाए तो करेंटली मार्केट के पास एक छोटा सा ही यहाँ पे सपोर्टिव जोन है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम भी मार्केट ने इसको ब्रेक करा था पर नीचे डंप कर दिया था, अभी भी मार्केट यहाँ पे है और यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर कल की डेली क्लोजिंग लगभग हमें $15.8 के ऊपर देखने को मिल जाती है तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर चेंज अराउंड होगा और मार्केट के लिए जो हमने पहले भी टारगेट को सेट करा हुआ था वही टारगेट हम एक्सपेक्ट लेके चलेंगे, जो कि $27 से $30 के बीच में यहाँ पे होने वाला है। तो इसको थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं और नीचे से आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा हेल्दी सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। जब ये ब्रेक होगा देन फिर हम लोग शॉर्ट के जो ट्रेड्स हैं उसके लिए बात कर सकते हैं, जिसका कि लगभग अभी के लिए हम लोग $13.4 को एज अ स्टॉप रेंज या फिर एज अ आउटरेज रेंज यहाँ पे लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे बात करें कॉइन की तो यह है दोस्तों कड़ानो, यानी कि आडा। और आडा को अगर हम थोड़ा वन डे के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं, फिलहाल में तो ये वाला ट्रायंगल इसने ब्रेक करा था। अब इस ट्रायंगल को आप चाहे तो अलग अलग डायरेक्शन से मूव करके देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको इस पोजीशन से देखने की कोशिश करूँ तो भी आडा अभी सेफ जोन के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल में अभी हम देखें तो आडा कहीं ना कहीं यहाँ पे 1.14 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, और अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करता है तो मार्केट इजिली आप समझ सकते हैं कि $1.6 को यहाँ पर हिट कर सकता है। तो अभी के लिए आडा एक साइडवेज के अंदर है बट एक अच्छी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्टॉप की बात करें तो लगभग हमें 12% का मिल रहा है जो कि $1 पे, तो अगर कोई इतना रिस्क सपोर्ट कर सकता है तो आडा का टारगेट आप $1.5 पे लेके यहाँ पे चल सकते हो, क्योंकि फिर यहाँ पर आडा क्रैश करेगा तो आडा के पास जो एकदम
बेस हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वो है 0.83 से 0.84 के आसपास में। तो बस दोस्तों आज के कॉइन इतने ही थे, आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है दोस्तों वो निकल के आ रही है WeWork की तरफ से। WeWork की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये सबसे बड़ा को वर्किंग स्पेस एक माना जाता है, जो कि आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बड़ी कंपनी है। और फाइनली दोस्तों इन्होंने कहीं ना कहीं अब बिटकॉइन यहाँ पे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो बिटपे है जो कि इनको अब यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है। तो अगर आप को वर्किंग स्पेस चाहते थे WeWork के थ्रू, तो अब आपको यहाँ पे बिटपे के थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे कि बिटकॉइन, इथेरियम, स्टेबल कॉइन, USDC और पैक्सोस जैसे कॉइन की मदद से आप डायरेक्टली यहाँ पर अपने लिए सीट को रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि जो वर्किंग एरिया है उसको यहाँ पर रिजर्व कर सकते हैं। बाकी इसका जो कह सकते हैं कि इसको यहाँ पर एक्सेप्ट करने का एक सिंपल सा रीज़न था, ताकि यहाँ पर जो कंपनी है वो इंक्रीज कर सके और ज़्यादा स्टेबिलिटी और ज़्यादा नई नई चीज़ों को, और फिनटेक स्टार्टअप के साथ यहाँ पर जुड़ के अपने आप को भी ग्रो यहाँ पर कर सकें। और इनकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, बिजनेस वायर ने भी इस चीज़ को कवर करा हुआ है पूरी तरीके से। तो आपको और डिटेल में अगर पढ़ना हो तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों वाली है गेमिंग एक जाइंट की तरफ से, जो कि है यूबीसॉफ्ट। आप सभी ने बहुत सारे गेम खेले होंगे, जैसे असिस्टेंट क्रीडिंग, प्रिंस ऑफ पर्शिया, आई थिंक टॉम लैडर, ये अलग अलग गेम थे। और अब यहाँ पे जो यूबीसॉफ्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉर्पोरेट बन गया है, कॉर्पोरेट बेकर तेजोस नेटवर्क के लिए, जो कि इनकी खुद की वैलिडेटिंग नोट यहाँ पे रन करने वाला है अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्रेंच का एक पॉपुलर वीडियो गेमर है, जहाँ पे कि यूबीसॉफ्ट अब यहाँ पे एक वैलिडेट नोट रन करेगा तेजोस इकोसिस्टम की। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज लेना चाह रहे हैं गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर, हम कह सकते हैं कॉर्पोरेट के अंदर, जहाँ पे कि अब ये तेजोस की नोट को रन करेंगे और आने वाले टाइम के अंदर ये कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन का यूज़ करेंगे बहुत सारी चीज़ों के लिए। तेजोस हम सभी को पता है STO/VSTO ऑफर करेगा आने वाले फ्यूचर्स के अंदर, तो उसका कहीं ना कहीं मे भी शायद अभी से यूटिलाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। ये इनका पूरा की पूरा बैनर है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब एक कॉर्पोरेट बेकर बन चुके हैं, जहाँ पे एक अच्छी बात है, जहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। तो अब इनको तेजोस कॉइन भी मिलेंगे और वैलिडेटर के हिसाब से जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो भी इनके पास यहाँ पे शेयर होने वाले हैं। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों वाली है पेपाल की तरफ से। पेपाल दोस्तों यहाँ पे जिस कंपनी को ओन करता है उसका नाम है विनोमो, और विनोमो बेसिकली अब यहाँ पे लॉन्च कर चुकी है क्रिप्टो ट्रेडिंग। हम सभी को पता है कि जो स्क्वायर ऐप पे पहले जो कैश ऐप हम जिसे कहते हैं स्क्वायर कंपनी का, वो उसने यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी 2017 में, और उसका जबरदस्त उनके जो पोर्टफोलियोज हैं उनका जो ग्रोथ है वो हमें देखने को यहाँ पे मिली थी। और उसी के राह पे यहाँ पे हम कह सकते हैं जो विनोमो है वो भी निकल गया, जिसको कि पेपाल यहाँ पे ओन करता है, क्योंकि थोड़ा टाइम पहले ही पेपाल यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का सपोर्ट अपने कह सकते हैं कि जो पेमेंट लेने देने का जो काम उनका उसमें चालू करा था, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दी है अपने ही एक सब्सिडी के अंदर, जहाँ पे कि बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, बिटकॉइन कैश की जो ट्रेडिंग है वो यहाँ पे होगी। और कोई भी पर्सन यहाँ पे $1 वर्थ की क्रिप्टो करेंसी को बाय या सेल कर सकता है, चाहे तो विनोमो के बैलेंस से कर सकता है या फिर डायरेक्टली अपने डेबिट कार्ड या फिर बैंकिंग की सर्विसेज के थ्रू यहाँ पे कर सकता है। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे स्टेप से मिलकर बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, और आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ पे जो 30% विनोमो के कस्टमर हैं वो उन्होंने ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी परचेस करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। हालांकि यहां पे अगर बात करें तो यहां पे 70 मिलियन कस्टमर हमें देखने को मिल जाते हैं विनोमो के, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। और 30% अगर हम एज्यूम करके चल सकते हैं तो लगभग 21 मिलियन यूजर्स यहां पे क्रिप्टो करेंसी को बाय सेल करना स्टार्ट ऑलरेडी यहां पे कर चुके हैं। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है फेसबुक बैक डैम की तरफ से, जो कि पहले लिब्रा था, उसके पहले आई थिंक कुछ और भी था, तो आप कह सकते हो कि इनके स्टेबल कॉइन की तरफ से। फिलहाल में जो इनके यहाँ पे डेम एसोसिएशन है वो यहाँ पे इस तरीके की एक रिपोर्ट निकल के आई है कि 2021 के अंदर वो अपना स्टेबल कॉइन यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ये सारे के सारे अननोन सोर्सेस आई है कि एक स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट लोग यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर कि अपना कह सकते हैं कि फर्स्ट गोल्ड यहाँ पर लॉन्च कर देंगे, जो कि स्टेबल कॉइन होगा 2021 में। लेकिन उनको पहले भी बड़ी तकलीफ आई है, आगे क्या आता है वो हमें देखना पड़ेगा। और फेसबुक इस चीज़ में कह सकते हैं कि कम्पीट कर पाता है नहीं कर पाता है, रेगुलेटर्स उसको निचोड़ के रख देते हैं, ये चीजें भी हमें यहां पे देखनी होंगी। अगली दूसरा पे खबर आ रही है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से, जहां पे कि जितना भी एम्प्लॉयज का जो ब्लॉकचेन टैग होगा उसको रिमोटली एक्सेस करा जाएगा, और लिटिगेट सर्विसेज यानी कि जो लीगल सर्विसेज होती हैं उनको भी यहाँ पे फॉलोअप करा जाएगा। तो ये बेसिकली करने का सिंपल सा काम था, क्योंकि इस टाइम में बहुत टाइम लगता है, कागज लगता है, पेपर लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, मैन पावर लगता है। तो यहाँ पे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है सारे की सारी चीज़ों को कट डाउन कर देगी, जहाँ पे कि आपका टाइम, आपके एफर्ट्स, एक्सपेंडिचर ये सब कम हो जाएंगे यहाँ पे UAE मिनिस्टर की तरफ से। सारी की सारी चीज़ यहाँ पे ब्लॉकचेन के ऊपर वेरीफाई रहेंगी डॉक्यूमेंट वाइज। और इसके साथ अगर बात करें तो UAE यहाँ पे डिजिटली रिफॉर्म करेगा इन सब चीज़ों को, जहाँ पे कि डिजिटल आइडेंटिटी या फिर हम कह सकते हैं डिजिटल आइडेंटिटी को प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि दुबई पास के तौर पे यहाँ पे होने वाली। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर जैसे ब्लॉकचेन को हम अडॉप्ट करते जाएंगे हमारे जो काम करने के तरीके हैं वो फास्ट होंगे, एफिशिएंट होंगे और बहुत ही ज़्यादा कम खर्चे में भी हो जाएंगे। बाकी अगर आपको ये रिपोर्ट पढ़ना है तो आप डायरेक्टली इनके अमीरात न्यूज़ एजेंसी पे जाके आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे भी इन्होंने पूरी डिटेल्स दी हुई हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ें हैं। तो आपको और डिटेल यहाँ पे
मिल जाएंगी। अगली दोस्तों आप जो खबर आ रही है दोस्तों वाली है न्यू एक की तरफ से। न्यू एक को आप ई बे टाइप का समझ सकते हो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक का एक रिटेलर मार्केट है जिसने कि अब यहाँ पर डॉकी कॉइन को पेमेंट की तरह एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। हम सभी को पता है कि डॉकी कॉइन ने अभी पिछले टाइम में बहुत ही ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस दिया है और करीबन करीबन 50 बिलियन का मार्क इसने यहाँ पर अचीव करा है। तो यहाँ पर आप लेजेंडरी आप डॉकी डे के तौर पर इसको मान सकते हो। तो कहीं ना कहीं न्यू एक ने ये चीज़ें डाली है जहाँ पर लिखा कि अभी ये लोग डॉकी कॉइन को एक्सेप्ट करते हैं जो कि बिट पे के थ्रू यहाँ पर होने वाला है। और आप एडिट के बटन में जाके क्रिप्टो करेंसी को सिलेक्ट करके बिट पे सिलेक्ट करके पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। हैप्पी डॉगी डे टू ऑल ऑफ यू। तो डॉगी डे भी अब मनाना चालू कर सकते हैं आप लोग, तो डेफिनेटली जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और इन ये फॉरेनर्स के लिए तो बहुत बढ़िया, अगर आप बाहर किसी कंट्री में रहते हो तो न्यू एक आपके लिए एक जन्नत ही है, लेकिन आप इंडिया में भी रहते हो तो आई थिंक ये इंडिया में भी कुछ सर्विसेज देते हैं तो शायद उसमें क्रिप्टो का पेमेंट यहाँ पे हो सकता है, जिसको हम आगे कभी चेक यहाँ पे कर लेंगे। अगली दूसरा पे खबर आ रही है नैस्डैक की तरफ से। आप सभी को पता होगा कॉइनबेस के शेयर नैस्डैक के ऊपर लिस्ट हो चुके हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर नैस्डैक ने लॉन्च कर दिया है ऑप्शन ट्रेडिंग कॉइनबेस ग्लोबल के लिए, जो कि यहाँ पे चालू हो चुकी है। और देख सकते हैं कि आप बढ़िया से यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। लगभग जो अभी इनका प्राइस था वो आई थिंक $11 के आसपास से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और अच्छी खासी ट्रेडिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि जो कॉइनबेस है वो एक बहुत ही जल्दी यहाँ पे एक्सपांड कर रहा है। अभी क्रिप्टो मार्केट में तो था ही था, आप फाइनेंशियल और हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसके अंदर भी अपने पाँव वहाँ पर जमा रहा है। अगली दूसरा पे जो खबर आ रही है दोस्तों वाली है बिटकॉइन के ETF की तरफ से। और यहाँ पे जो थ्री IQ का ETF था एंड कॉइनशेयर का जो ETF थे वो फाइनली दोस्तों पे आज लाइव हो चुके हैं। बहुत टाइम पहले ही न्यूज़ आई थी कि ये कहीं ना कहीं ETF के लिए अप्रूवल करे गए और उनकी ट्रेडिंग भी स्टार्ट होगी, लेकिन आज फाइनल इनकी जो ट्रेडिंग है वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर जो टोरंटो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसके ऊपर ये यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। और बेसिकली अगर एक BTQ की बात करें तो $11.89 के आसपास इनका जो प्राइस है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आप समझ सकते हो कि जो टोरंटो का स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ पे कि अब ये दोनों ETF जब ट्रेड होंगे तो बिटकॉइन को वो आने वाले लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पे हो सकते हैं। अगली दूसरा पे जो खबर आ रही है दोस्तों वाली यूक्रेन की तरफ से। और यूक्रेन की पार्लियामेंट के अंदर दोस्तों एक ऐसा बिल पास हो गया है जो कि क्रिमिनलाइज कर देता है उन सभी लोगों को जो कि अपनी होल्डिंग्स उस साल के ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर नहीं दिखाने वाले। तो ये चीज़ एक थोड़ी सी बहुत ज़्यादा अजीब लगी मुझे भी, बट क्रिमिनलाइज करना एक बहुत बड़ा यहाँ पे वो हो जाता है, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप उनको क्रिमिनलाइज कर रहे हो। और यहाँ पर अगर बात करी जाए तो इस बिल को बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि वोटों से यहाँ पे पास भी कर दिया गया। और इसके अंदर लगभग अगर आप $4,050 से ज़्यादा का क्रिप्टो कोई होल्ड करते हो और आपने डिक्लेयर नहीं कराए तो आपको यहाँ पर सजा ये हो सकती है कि या तो आपको 2 साल की जेल हो सकती है या फिर आपको यहाँ पे कह सकते हैं आपको फाइन लग सकता है लगभग $1,62,000 या फिर $2,950 के आसपास का। तो पता नहीं क्या अजीब से रूल यहाँ पे लोग बनाते रहते हैं, बट ठीक है जो भी हैं देखते हैं। अगर मैं भी शायद इसको कोई चैलेंज करे तो ये रूल में थोड़े से अल्ट्रेशन हो जाए, क्योंकि किसी चीज़ को ना बताना एक बहुत बड़ा क्रिमिनलाइजेशन कर देना ये एक बहुत ज़्यादा अजीब सी बात और गलत बात यहाँ पर बन जाती है। अगली दूसरा पे जो खबर आ रही है दोस्तों वार यहाँ पे मॉर्गन स्टेनली की तरफ से। मॉर्गन स्टेनली दोस्तों यहाँ पे कहा कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है जिसे कि हम CBDC कहते हैं वो बेसिकली कोई भी थ्रेट नहीं है क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्योंकि दोनों ही करेंसी का अपना अपना काम है और दोनों के जो पर्पसेस हैं वो यहाँ पे अलग से डिफाइन होते हैं। तो अगर आप इनकी बात को देखना चाहते हैं आप देख सकते हो। साथ ही इनका कहना है कि यहाँ पे दोनों ही करेंसी को एग्जिस्ट करने वाली है, तो किसी को भी कोई टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है और सभी का अपना अपना काम है, सभी अपने तरीके से यहाँ पे सर्व करेंगी और उसके हिसाब से ही दोनों यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर ग्रो भी यहाँ पे करने वाली है। अगली दोस्तों पे जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है यहाँ पे बिटकॉइन की हैश रेट की तरफ से। और हम सभी को पता है कि आज के टाइम में भी सबसे ज़्यादा जो माइनिंग होती है वो होती है चाइना के अंदर, और क्योंकि वहाँ पे सबसे सस्ती इलेक्ट्रिसिटी और प्लस आपको जो माइनर्स इक्विपमेंट है वो भी चाइना में ही बनते हैं। तो यहाँ पर अभी हम बात करें तो 45% यहाँ पर जो बिटकॉइन की हैश रेट है वो यहाँ पर ड्रॉप हो गई थी पिछले टाइम में, मतलब कुछ दिन पहले, क्योंकि यहाँ पर जो शिंगेजिन ग्रिड थी वो ब्लैकआउट हो गई थी, मतलब कि बिजली चली गई थी। और यहाँ पर करीबन करीबन 10% का डिफरेंस हमें प्राइस जो बिटकॉइन की प्राइसेस हैं उसमें यहाँ पे देखने को मिला था। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का जो कह सकते हैं हैश रेट है उसने एक नया ऑल टाइम हाई टेस्ट करा था जो कि 2118 एक्साहैशेस है। जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि बिटकॉइन हमेशा अपनी जो हैशेस है उसको यहाँ पे फॉलो करता है, यानी कि उसका जो प्राइस है वो हैश रेट को यहाँ पे फॉलो करता है। जैसे ही हैश रेट यहाँ पे ट्रम होना चालू हुई थी, क्योंकि आई थिंक ये चीज़ 15 तारीख को हुई थी और बिटकॉइन के अंदर जो भी क्रैश हमें मिला था वो हमें 18 तारीख के आसपास को मिला था बड़ा वाला, तो ये कहीं ना कहीं आप इसको कोरिलेट थोड़ा सा कर सकते हो। और इसी केस के अंदर अगर हम अलग अलग पूल्स की बात करें जैसे F2 पूल, एंड पूल, BTC पूल, लिन, बाइनेंस पूल, वाई पूल, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं कि पिछले एक 24 घंटे के लिए किस तरह इनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे हुआ था। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जो बिजली कटने से आप एकदम से जो बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाते हैं,
और कहीं ना कहीं जो पूल्स अगर वो वर्क नहीं करेंगे तो जो बहुत सारे ब्लॉक्स हैं उनको माइन भी यहाँ पे करना थोड़ा सा टफ यहाँ पे हो जाता है। एंड इसके कारण हैश रेट में भी गिरावट होती है, और हैश रेट का गिरने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन भी थोड़े टाइम के लिए लड़खड़ा यहाँ पे सकता है। अगली दूसरा पे जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है यहाँ पे व्हेल्स की तरफ से। व्हेल यानी कि क्रिप्टो के अंदर जिसके बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो करीबन करीबन यहाँ पे 4 बिलियन के आसपास के जो बिटकॉइन थे वो संडे को मार्केट में हिले थे, जिसमें 150 बिटकॉइन जो थे वो 2010 से स्पेंड नहीं हुए थे। तो बेसिकली कोई होगा माइनर जिसने स्कूल टाइम अपने माइन होगा तो उसके 150 बिटकॉइन रखे हुए थे जो कि 8.5 मिलियन के थे कॉइन बेस के ऊपर, और साथ ही एक वॉलेट था जिसके अंदर 58K बिटकॉइन थे जो कि यहाँ पे 3.3 बिलियन की वैल्यूएशन रखते हैं, और उसको यहाँ पे मूव करा गया था। अगर हम संडे की बात करें तो मैंने आपको टोटल फिगर बताया था, लगभग 8 बिलियन का वहाँ पे सेल ऑफ हुआ था, यानी कि लोग लिक्विडेट हुए थे। यही सारी चीज़ें जिसमें 4 बिलियन तो एटलीस्ट यहाँ से मोमेंटम हुए थे इस चीज़ के अंदर में। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक वॉलेट में 12K थे जो कि 2016 के बिटफिनिक्स का जो हैक हुआ था उसमें से किसी छोटे छोटे वॉलेट में ट्रांसफर हो गए यहाँ पर इस यूनिट पर आए थे, जब बिटकॉइन के पास 64,000 के आसपास ट्रेड यहाँ पर हो रहा था। ये इमेजेस में आप इस चीज़ को देख सकते हैं, प्लस यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडीज़ हैं और इसके अंदर आपको सारी ही चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। हालाँकि इसने इस पोजिशन पर हमें लिया है, ओके इसको नहीं क्लिक करते हैं, बट आप यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन से वो किस तरीके से यहाँ पे गए थे, जिसमें कि एक बाइनेंस के कोल्ड वॉलेट को भी आइडेंटिफाई करा जा रहा है कि मे बी शायद बाइनेंस का कोल्ड वॉलेट है जिसमें 58,000 यहाँ पे मूव हुए थे। इसके अलावा 20,000 और 11,000 बिटकॉइन भी यहाँ पर आए थे। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है कि बड़े प्लेयर्स हैं तो उनके पास बड़ा पैसा, तो मार्केट को थोड़ा बहुत कंट्रोल यहाँ पर वो लोग भी कर लेते हैं। आज के दोस्तों जो आखिरी खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है यहाँ पे CZ की तरफ से। बाइनेंस चेन की अगर हम लोग बात करें तो इसके ट्रांजेक्शन का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है, जैसे बिटकॉइन की हैश रेट होती है वैसे यहाँ पर भी है, बट ये एक्चुअल में बेसिकली डेली ट्रांजेक्शन है। और बाइनेंस के ऊपर हमें पता है कि कितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन अब यहाँ पर हो रहे हैं। अभी जो नए नए प्रोजेक्ट्स बाइनेंस की चेन पर बन रहे हैं उनकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है बाइनेंस की, और BNB कॉइन कहीं ना कहीं उसको यहाँ पे फुलफिल कर रहा है जो ट्रांजेक्शन रेट हमें देखने को मिल रहा है। तो BNB कॉइन पे थोड़ा सा नज़र रख सकते हो क्योंकि आज पहली बार इसने अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया जो कि 6 मिलियन ट्रांजेक्शन टुडे आज इसने यहाँ पे करे हैं। आज के दोस्तों अगर आखिरी खबर की बात करें तो यहाँ पे ये दोस्तों ये भी आ रही है बाइनेंस की तरफ से, और बाइनेंस ने दोस्तों यहाँ पे हायर कर लिया है फॉर्मर टॉप बैंक रेगुलेटर। आप सभी को पता होगा कि अमेरिका के अंदर OCC होता है जिसका फुल फॉर्म है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ऑफिस ऑफ द कंप्यूटर एंड द कंट्रोल ऑफ द करेंसी, जो कि करेंसी के आदान प्रदान या फिर किसको अलाउ करना है किसको नहीं करना है उसको यहाँ पे यूज़ करा जाता है। तो उसके जो यहाँ पे कह सकते हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव है बाइनेंस यूएस के, उसको यहाँ पे बना दिए गए, जिनका नाम है मिस्टर ब्रुक्स। और मिस्टर ब्रुक ने पहले भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहे क्रिप्टो के लिए, क्योंकि जब वो अपने OCC के पद पे थे तब भी उन्होंने यहाँ पे जो अच्छा कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी उसकी तरफ एक सही डायरेक्शन रखा था, और उसके लिए आप कह सकते हैं कि एक फ्रेंडली एटीट्यूड यहाँ पर लेकर आए थे। तो अब यहाँ पर अब वो बाइनेंस USA के जो है वो यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि CEO आई थिंक बन चुके हैं, और यहाँ पर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेटर होता था उस टाइम पर वो OCC के अंदर यहाँ पर काम करा करते थे। तो आप समझ सकते हो कि बाइनेंस यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हायरिंग कर रहा है, और कहीं ना कहीं आई थिंक उनका और ज़्यादा प्लान और ज्यादा एक्सपांड यहां पे करने के लिए। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो डिसलाइक करेगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें ताकि अपने आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पर आप पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक लाइव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।